राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में नगर परिषद हमीरपुर के सौजन्य से स्वच्छता पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल रहे बच्चों को बुधवार को टाउन हॉल में सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में बाल स्कूल के छात्रों के साथ कन्या स्कूल हमीरपुर, गुरुकुल स्कूल हमीरपुर और सावित्री पब्लिक स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। नगर परिषद हमीरपुर के उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, ईओ विनोद कुमार शर्मा आदि ने बच्चों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। छठी कक्षा में सावित्री पब्लिक स्कूल की तन्वी ने प्रथम, बाल स्कूल हमीरपुर के विकास में द्वितीय और गुरुकुल पब्लिक स्कूल की छात्रा रिद्धिमा ने तृतीय स्थान हासिल किया, जबकि सातवीं कक्षा में सावित्री स्कूल की अंशिका ने प्रथम, बाल स्कूल हमीरपुर के कृष्ण ने द्वितीय और कन्या स्कूल हमीरपुर की छात्रा अंजलि ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं आठवीं कक्षा में सावित्री पब्लिक स्कूल की रिया ने प्रथम, कन्या स्कूल हमीरपुर की छात्रा आंचल ने द्वितीय और बाल स्कूल हमीरपुर के छात्र साहिल ने तृतीय स्थान हासिल किया। पहली फरवरी से 15 फरवरी तक एक पखवाड़ा शहरी समृद्धि उत्सव के रूप में मनाया जाना है, जिसके अंतर्गत हमने कल भी एक पेंटिंग कंपटीशन चार स्कूलों का करवाया था, जिसमें छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चे तीन ग्रुप्स में इकट्ठे हुए थे बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उसमें लगभग 36 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिसके रिजल्ट निकाल कर उसमें 9 बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन स्ट्रीम में जो निकाले गए उनको आज पारितोषण किया गया।